Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan. क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट फाइन और खैरियत से होंगे। आज दिन है जी सैटरडे का और मैं रवा दवा हूँ एक लॉन्ग टूर पे। लॉन्ग टूर है टूवर्ड्स जीटी रोड, टूवर्ड्स लाहौर वाली साइड, टूवर्ड्स दी गुजरात। और इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि अपकमिंग व्लॉग्स के अंदर आपको गुजरात तो मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, आपको मैं रिवर चनाब, वज़ीराबाद, गुजरांवाला इस बेल्ट की थोड़ी सी सैर कराऊं। और अगर वहाँ पे ना जा सके तो किसी जो गांव वाली साइड्स हैं वहाँ पे निकल जाए। मंगोल, कुंजा इज़ अ प्लेस जहाँ से जनरल राहिल शरीफ, मेजर शबीर शरीफ उनका घर है वहाँ पर। और कोशिश करेंगे कि सारोकी वाली साइड पे जाएं। मेरा एक बड़ा भेली वहाँ पे रहता था, शेख सोहेब, और साइकिलों पे जाते थे हम लोग वहाँ पे, वो नहर के किनारे तक। कोशिश करेंगे कि उस साइड पे कहीं पे निकलें। और मैं भी इस्लामाबाद से निकला हूँ, ये रवात अभी मैंने क्रॉस किया है और जीटी रोड पे चढ़ा हूँ, तो मैंने कहा जी आपको मैं थोड़ी सी हेलो हाय कर लूँ। ले जी आगे चलते हैं, कोई अच्छा सा मंज़र आया, कोई अच्छा सा इलाका आया या कोई और मज़े की बात हुई तो वो रास्ते में शेयर करूँगा। ये मैं पहुँच गए, देख रहे हैं रवात के साथ है ये, जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के लिए सारा ब्रॉडकास्टिंग है। और शीशों का इस्तेमाल लाजमी करें, जिस तरह से गाड़ी आ रही थी मुझे पता चल रहा था कि गाड़ी आ रही है। अभी बस मैं गुजर खान के करीब हूँ और मेरा प्लान ये है कि मैं गुजर खान को जैसे क्रॉस करूँगा उसके बाद फिर बैठ के एक कप मैं चाय पीऊँगा। दैट्स इट यार, किसी दिन ना मैंने इस पुल के ऊपर से यूँ जाना और यूँ आना है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, वो आना जाना भी मैंने पैदल है। ये डिंकियाँ जो जाती है ना, डिंकियाँ किसी काम की नहीं है। 660 सीसी है, भगा रहे है। एक सीजीएल है, इनको आराम से क्रॉस कर लेगा आराम। वो सर्वे की रेंज स्टार्ट हो रही है यहाँ से ऊपर, वो पहाड़ियाँ उस साइड पे। अकबर अली जाट वो हाइएस्ट के पीछे लिखा हुआ था। मैं आपको अपडेट दे दूँ, मौसम बहुत सुहाना है, खुला हुआ है, मुझे मज़ा आ रहा है। NHA वाले पैसे लेते हैं ना, वो इस रोड के ऊपर लगने चाहिए। यहाँ से गुजरात के सफ़र के अंदर कोई अराउंड 4 से 5 टोल प्लाजा आते हैं, पीछे मंदरा, ये तरक्की, और उसके बाद आगे आएगा आपका अल्लाह भले करे झेलम, ठीक है, पीछे इस्लामाबाद। वो तो चलो जरदारी साहब को बात बंद हो गया, लेकिन इसका क्या मसरफ है? अगर जो से सड़क के टोए हैं, अगर वो टोए ना सीधे हुए हों तो उसका फ़ायदा क्या? मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे सामने खड्डा आ जाएगा तो मैं तो डेफिनेटली इस साइड पे जाऊँगा। अब ये देखें, ये एक और टोया है, ये इनको चाहिए कि ये भरे। अब ये एक और है, मैं इसके वजह से मैं इस रोड पे नहीं जा रहा हूँ, इसलिए गाड़ियों वाले भी नहीं जाते। लो यहाँ पे कहीं पे रुकता हूँ मैं थोड़ी देर, मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। शुक्र है बाइक ऐसे जो रुक जाता है। नहीं जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा होता हूँ, थोड़ा सा टांगे शांगे सीधी कर ले, कोई हवा शवा लेता हूँ, और बाकी की गेमें जो सी है वो बाद में होती हैं, ठीक है। ये टोल प्लाजा यहाँ पे तरक्की का, और एक सेकेंड। हाँ, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ दूसरे तरीके से क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैंने वो ढकना खोल दी है। तरक्की का टोल प्लाजा क्रॉस करें, ये आगे पर सोहवा और पबी की पहाड़ियाँ हैं, बीच में पहाड़ी है, यूँ करके रोड इसका निकलता है। वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, और एक्सप्लोर करने वाले बहुत कम है एक्चुअली।
और यस आपको मैं इसके अलावा एक बाइक की लुक भी दिखा दूँ। मैंने इस तरीके से इसको बांधा हुआ है सामान को, ये मैंने एक्स्ट्रा वैसे लगा दिए थे मैं इन केस ज़रूरत पड़ जाए। और बाय द वे बाइक इज़ ऑल ओके यार, इतना फिट है कि मैं पता नहीं, मेरा एक प्लान हो रहा था कि इसको मैं सेल आउट कर दूँ, लेकिन फिर मैं वो सोचता हूँ इसको सेल करके मैं क्या लूँ। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। इससे ऊपर अगर मैं कम से कम 1,00,000 रुपया भी लगाता हूँ कोई और बाइक लेने के लिए, 50,000 लगाता हूँ, मुझे एक सेम चीज़ मिलनी है। मैं वो भी 100 पे जा रहे हैं, ये भी 100 पे जा रहे हैं, पावर इसका मुझे कतन कम नहीं लगता, ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड। और आगे थोड़ा सा लाइफ में और चेंज आ रहे हैं तो बाइक का इस्तेमाल भी मेरा कम हो रहा है, तो डेफिनेटली हम निकलते हैं यहाँ से। फ्यूल इज फुल, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह लाल वल अकबर अल्लाह। ये यहाँ पे जंगल है, इसके बैक साइड पे भी, इस साइड पे भी, और बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत। और मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है गुजरात और इस्लामाबाद के दरमियान की जो रोड है, वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन पाकिस्तान। आगे तो जीटी रोड्स का और पैथेटिक हाल है, और बुरा हाल है, जैसे कह जैसे ये दो सड़की बनती है ना, थम्स अप, टॉप इंजीनियरिंग है, लेकिन सिर्फ ये कि इसकी मेंटेनेंस जो थी ना रोड की, वो होनी चाहिए। रफ्तार ऐसा करें तो हम भी रफ्तार थोड़ी सी ऐसा कर लेंगे, लेकिन इतनी आहिस्ता नहीं करेंगे कि पीछे से रगड़ते जाएं। ये व्यू चेक करें, परफेक्ट व्यू, परफेक्ट। और इंतहाई ख़तरनाक ढलान है, ये एक्चुअली सारी उतराई है, और यहाँ पे इन रियल सेंस आपको थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ब्रेक्स नहीं लगते। ज़्यादातर वो कहते हैं कि छोटे गियर इस्तेमाल करें, तो जैसे बोर्ड लिखे होते हैं ना, वाम साथियों पाकिस्तानियों, ये हमारे लिए लिखे होते हैं, और इसके ऊपर अमल दरामद करना भी हमारा अपना ही काम है, ये कौमी फरीज़ा है हमारा। ये देखिए इन्होंने इसके ऊपर भी इसको एक रफ सूरत बनाई हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा स्लिपरी ना हो। ये अभी मैं दाखिल हो जाऊंगा जी सोहावा क्रॉस, वो तो मैं कर चुका हूँ क्रॉस, ये सोहावा के बाद आएगा दीना। सोहावा दीना के दरमियान आएगा जी डोमेली, जहाँ से अमूमन मैं रुकता हूँ, और वो छप्पर से बने हुए, छप्पर से पकौड़े मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, आपको जलेबियाँ मिलती हैं फ्रेश, और देसी दूध की चाय, अली देसी दूध की चाय याद आई, नारायण वाली, लेकिन ये उससे बेटर होती है। आगे चलते हैं, हम लोग अभी क्रॉस कर रहे दीना, और फिलहाल तो क्रॉस कर रहे एक बहुत लंबे ट्रेल है, और ड्राइवर जो से वो शीशे में से देख रहे थे, एंड अ गुड थॉटफुल मूव बाय ड्राइवर ऑफ दैट रोला एक्चुअली। और पटरियाँ यार, कभी ना पटरी का भी सफ़र करेंगे, हैं क्यों ना किसी दिन कोई ट्रेन श्रेन पकड़ ले, कुछ करते हैं जुगाड़। अब मेरे लिए एक रूटीन जैसा है, एंड आई फील रियली कंफर्टेबल कि मैं ऑन एक 125 cc कैटेगरी में इस्लामाबाद से गुजरात आया, तो इट्स गुड। मैं वही रास्ते में सोच रहा था कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा क्या, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोई ना कोई पिंड शिंड ज़रूर घुमाऊंगा,
although क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी पिंड से नहीं है तो मैं सिटी के अंदर रहता हूँ ज़्यादा वहीं पे राइड करता हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ना कोई इधर उधर के गांव शाँव देहात वगैरह वो दिखाऊंगा। अब तो वो भी देहात नहीं रहे, गुजरात और उसके एयरगर सब तरक्की याफ्ता है, एक बड़े शहर से कम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको अवेलेबल ना हो किसी तौर पे भी, बड़े होटलों से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आपके खावे के हर चीज़ और भैंसें। ये ट्यूलिप ले जी व्यूअर्स, अभी खारियां क्रॉस कर गया मैं और ये इसको डबल स्टैंड पे लगाया। खारियां क्रॉस करने के बाद अभी गुजरात के करीब ही हूँ क्योंकि मैंने बस वो एक थोड़ी देर का वहाँ पे रेस्ट के लिए या पता नहीं क्या वो लिया था और अब मैं हूँ और चाय पीता हूँ फिर उसके बाद निकलता हूँ। चाय पिए और चाय पीने के बाद अब मैं जो सा है जा रहा हूँ टू गुजरात और गुजरात में पहुँच के तो इंशाल्लाह ताला फिर अपने घर जाऊंगा। ऑब्वियसली अम्मा इंतजार कर रही हैं को रात का खाना शाना बना पाए, मैं वो खाना करूंगा। ये जो सा है एक गांव है यहाँ पे छन्नी गांव आता है और इट्स ऑलवेज फन टू गो गुजरात व्हेन एवर यू फाइंड टाइम और उस गुजरात बिल्कुल 11 किलोमीटर रह गया, यानी कि यहाँ से मैं जाऊँगा आगे एक डाइवर्जन आ जाएगी, उस डाइवर्जन में इस साइड पे अगर निकलूँगा तो लाहौर की तरफ बाईपास और इस साइड से निकलूँगा तो वो गुजरात की तरफ सिटी गुजरात में मुड़ जाएगी। और ये जिट रोड का जो सा अभी का सफ़र था गुजरात तक लिए वो इतना ही है, ये भी मैं डालूँगा और उसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा और मैं दिखा सकूँ कोई इधर उधर के इलाके कोई ऐसे, ये क्योंकि फ़न इस चीज़ का है, इस चीज़ का फ़न है और फ़न करने के लिए तो मैं निकला हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब शेयर कर सकते पाकिस्तान। चंगा फिर, रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़।